हेलो गाइस, मैं हूँ कासिम कुरैशी। इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्री का सिलेबस जो डिलीट हुआ है, अपडेटेड सिलेबस जो 20 अक्टूबर को जो अपडेट हुआ था, उससे रिलेटेड अपडेट्स मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, तो इसमें मेजुरेशन चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली डिलीट हो गया है और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ पार्ट्स पूरे के पूरे कम्प्लीटली डिलीट हो गए, कुछ पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ द अपडेटेड कैंसिलेशन। ओके, डायरेक्टली आप अपनी बुक्स ओपन करिए और आ जाइए पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे जो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल है वो उसको आप डिलीट कर दीजिए, और नेक्स्ट पेज पेज नंबर 9 जो है वो कम्प्लीटली डिलीटेड है, उसको भी आप कट कर दीजिए। ठीक है, आ जाइए पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पूरा कट, और पेज नंबर 9 पे जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका नहीं है, पेज नंबर 9 पे नहीं, 11 पे। ओके, पेज नंबर 11 पे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन नहीं है। पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट देयर। पेज नंबर 13 पे बच्चों आ जाइए, पेज नंबर 13 पे आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है सिर्फ वो है, बाकी पूरा पेज कट कर दीजिए। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7 नहीं है। आई रिपीट, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 और 7 नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 15 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11 डिलीटेड, 8, 9 और 11 नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए पेज नंबर 28 पर, 28, पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 8, 9 दोनों भी क्वेश्चन नहीं है सिलेबस में। ठीक है, पेज नंबर 29 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10, 12 दोनों भी क्वेश्चन नहीं है, 10 और 12 क्वेश्चन नहीं है। 28 के बाद 29 के बाद चैप्टर ख़त्म, चैप्टर ख़त्म के बाद पाइथागोरस वाला चैप्टर है, और पाइथागोरस चैप्टर में पेज नंबर 40 पे आ जाइए। पेज नंबर 40 पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व एग्जांपल वाला, तो वो वाला पार्ट आपको नहीं करना है, वो डिलीटेड है। ठीक है, आ जाइए 41 पेज नंबर पे, पूरा पेज आप उसको कट कर सकते हो। 42 पेज नंबर पे अगेन 42 पेज नंबर पूरा कट कर दीजिए। 43 पेज नंबर पे 2.2 एक्सरसाइज जो दी गई है आपको, ओके, 43 पेज नंबर पे 2.2 एक्सरसाइज ये कम्प्लीटली डिलीट है। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, दैट इज़ प्रॉब्लम सेट पेज नंबर 44। उस पेज पे जो लास्ट क्वेश्चन दिया है, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AP इज़ अ मीडियम, ये वाला क्वेश्चन आप कट कर दीजिए। नेक्स्ट पेज 45 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 12, 8, 9, 12 तीनों भी कट। 45 के बाद में 46 का लास्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 17 एंड 18, सेग PM सेग AM वाला क्वेश्चन है जिसमें हम मीडियन फाइंड करते हैं, वो वाला पार्ट आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में डायरेक्टली आप आ जाइए पेज नंबर 57 पे आ जाइए। पेज नंबर 57 जब आप ओपन करोगे आपको दिखेगा थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, ये चीज़ बेटा डिलीट कर दिया गया है, कट कर दीजिए उसको। फिर पेज नंबर 56 पे पूरा पेज उसको कट कर दीजिए, उसमें से कुछ भी नहीं है। 77 पे जो क्वेश्चंस दिए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है नहीं, थ्योरम है, ओके, कन्वर्स थ्योरम है और थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ये भी दोनों कट कर दीजिए। नेक्स्ट पेज नंबर 78 पे आ जाइए, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड ये पार्ट आपको नहीं करना है। 79 वाला पेज टेंजेंट सेकेंड थ्योरम ये भी आपको नहीं करना है। बाप रे, नाइस, सर्कल चैप्टर में से भी अच्छा खासा पोर्शन डिलीट कर दिया गया। सर्कल चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादातर लोगों को डिफ़िकल्ट जाता है, कंपैरेटिवली अलजेब्रा इजी लगता है जब हम ज्योमेट्री से कंपेयर करते हैं, बट
ठीक है, डिलीट हो गया है, अच्छा है, स्कोरिंग इजी हो गया है। इतना डिलीट करने के बाद भी अगर आप स्कोर नहीं कर पाते हो तो फिर बहुत बुरी बात है। पेज नंबर 80 का बता दिया है, पूरा पार्ट कट करना है, सॉल्व एग्जांपल। पेज नंबर 81 अगेन पूरा कट कर दीजिए उसको। पेज नंबर 82 जब थ्योरम्स ही हमने उसके नहीं किए तो फिर उसके न्यूमेरिकल्स कैसे कर सकते हैं, तो वो पार्ट कट कर दीजिए, ठीक है 82। फिर 83 पे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि वो कॉर्ड से रिलेटेड है, कॉर्ड वाला पार्ट हमने कट कर दिया है तो वो वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। 83 के बाद सीधा आ जाइए 87 पे दो क्वेश्चंस रिलेटेड है, ओके 87 पे दो क्वेश्चंस रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15, दोनों भी क्वेश्चंस इसके अंदर डिलीटेड है। फिर 87 के बाद में आ जाइए डायरेक्टली आप 88 पेज नंबर पे। 88 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आर्क वगैरह फाइंड करना है, मेजर एंगल फाइंड करना है, वो वाला पार्ट कट कर दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 18, ओके इन द फिगर पी इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाला पार्ट जो है इसको भी आप कट कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 89 पे। 89 पे जो लास्ट क्वेश्चन दिया है 22 वाला, 22nd नंबर जो उसका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन वो कट कर दिया गया है। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 पे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कट डिलीटेड, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ तक का आपका सर्कल का पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, तो इसके बाद में आप डायरेक्टली 116 पे आ जाइए। दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यू तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ओके बट कुछ पार्ट्स है जो डिलीट कर दिए, अच्छा है आपके एंड से। उसके पहले हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिक यहाँ पे कोई भी पार्ट कैंसिल नहीं है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालिए बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पेज नंबर 116 पे आ जाइए डायरेक्टली, ओके 116 में जो स्लोप का कॉन्सेप्ट दिया है, तो स्लोप वाला कोई भी पार्ट आपको उसके अंदर नहीं है, तो स्लोप का वो पूरा वहाँ से कट कर दीजिए। लेट्स लर्न से लेके पूरा कट कर दीजिए, 117 पूरा कट हो जाएगा। फिर 118 119 11 सॉरी 120, फिर सिमिलरली 121 पेज नंबर भी कट करना है, ओके मतलब इन शॉर्ट 116 से लेके 121 तक पूरा कैंसिल है। पेज नंबर 122 पे क्वेश्चन नंबर जो स्लोप से रिलेटेड है, लाइक पेज नंबर 122 पे वो जो ऊपर के जो सबसे ऊपर क्वेश्चन है ना 6 7 8, वो तो कट कर दीजिए क्योंकि वो स्लोप से रिलेटेड ही है वो, ठीक है। और इसके बाद में स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 5 का, द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, वो कट कर दीजिए। द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ये तो ईजी था, ठीक है कट कर दीजिए उसको। फिर पेज नंबर 123 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 10 9 10 और 22, 9 10 22 तीन क्वेश्चंस उसके अंदर डिलीटेड है, ठीक है। तो 122 के बाद 123 का भी मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इसमें आप पेज नंबर 132, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, किसी चीज़ की हाइट फाइंड करना है या किसी लाइक बिल्डिंग से आपको कहीं का डिस्टेंस लेना है या फिर आप लाइट हाउस से किसी बोर्ड का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो ये सारी चीज़ें इससे हम पॉसिबल है, ओके तो इंजीनियरिंग के लिए ये फर्स्ट स्टेप है आपका। एप्लीकेशन दिया हुआ है पेज नंबर 132 पे, तो वो एप्लीकेशन कट कर दीजिए। नेक्स्ट पेज 133 से पूरा वो कट कर दो, 134 कट कर दो, 135 कट कर दो, 36 37 पूरा कट कर दो। और पेज नंबर 139 पे जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है ऊपर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 भी है नीचे इक्वल टू 1 अपॉन, वो प्रूफ करने वाला जो सेक्शन है
खाली वो एक क्वेश्चन है, बाकी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स चौकड़ी। ठीक है, मेंजुरेशन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम एरिया ये सब फाइंड करना है। ओके, तो नाइन्थ में ऑलरेडी आपने किया था तो बेसिक आपको आता रहेगा मेंजुरेशन का। तो टेंथ स्टैंडर्ड में गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र बोर्ड डिपार्टमेंट ने पूरा का पूरा चैप्टर मेंजुरेशन के ऊपर कट कर दिया है। ओके, तो मेंजुरेशन आपका लास्ट चैप्टर है, थोड़ा डिफिकल्ट भी था ऑनलाइन एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो इसके लिए शायद कट कर दिया रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पार्ट अपडेटेड पार्ट में हमने कैंसिल किया है। तो ये सारी चीज़ें आप जब प्रिपरेशन करोगे तो ये सारी चीज़ों को आप हटा के अपना प्रिपरेशन करिए। ये साल बेटा स्कोरिंग करना बहुत ईजी है, एलजेब्रा का भी मैंने आपको दे दिया था जो कैंसिलेशन पार्ट है। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर एलजेब्रा का आपको चाहिए। तो दोनों भी बेटा जब पढ़ोगे वो टाइम पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कुछ चैप्टर्स एलजेब्रा ज्योमेट्री से रिलेटेड हमारे यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है। साइंस के भी मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप जाके चेक करिए, आपको बहुत सारे चैप्टर्स साइंस में और मैथ्स पे मिल जाएंगे। और वी ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10th 11th एंड 12th। ओके, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो या आपके फ्रेंड्स को सजेशन देना चाहते हो आप उनको सजेशन दे सकते हो, आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन द नंबर 8652408057, एल्स यू कैन विजिट ऑन माई वेबसाइट www.kasimsirs.com। थैंक यू।